हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में पढ़ेंगे और यहां से क्लास 8, 9, 10 बहुत डीपली ये टॉपिक के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक बंधारण, तो क्या है इसका मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि कुछ ऐसी रूल्स रेगुलेशन जो देश के चलाने के लिए काम आए। और एक बंधारण इट मींस एक कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन कि जो पूरे के पूरे कंट्री को एकजुट में बांध के रखे। तो यहां पर देखें कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, और why does a country need a constitution, एक देश को ये संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी चीज चलाने के लिए, कोई भी कंपनी, फैक्ट्री या तो कुछ भी छोटा मोटा यूनिट को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए। इवन क्लास में भी आपके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, इतने बजे बेल होगी, इतने बजे टीचर ही आएंगे पढ़ाने के लिए, टाइम टेबल होगा आपका, इतने बजे छुट्टी होगी, इसके बाद इस तारीख को ये कंपटीशन है, इस तारीख को ये कंपटीशन है, ये सब प्लानिंग है। बट प्लानिंग के पीछे एक रूल्स रेगुलेशन भी है। तो ये सब चीजें है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए एक बंधारण चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहां पर देखें कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ले आउट एंड आइडियल्स फॉर द कंट्री, देश के लिए एक आइडियोलॉजी है, देश के लिए एक विचारधारा है, देश के लिए एक कोई जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत उत्तम चीज है। देश के अंदर क्या क्या है और देश के बारे में बताने वाली चीज है ये। इट मीन्स देश के बारे में मतलब मैं जियोग्राफी और ये मोन्यूमेंट्स इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कि देश के रूल्स रेगुलेशन, देश की नीतियां, इसके बारे में बात करने वाली बात है। टेल्स अबाउट फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, फंडामेंटल नेचर, क्या नेचुरली यहां पर क्या कंस्ट्रक्टिविज्म अप्लाइड किया गया है देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बेसिकली अप्लाइड किया गया है और ये हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या लागू है। सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द सिटीजन, पब्लिक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। और टेल्स अबाउट द बेसिस ऑफ द वेज इन विच द सिटीजन वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न, देश कोई एक तरीके से गवर्न मतलब कि देश यहां पर रूल किया जाए एक तरीके से, मतलब कि हमारे सिस्टम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी तरीके से, लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से चल रहे। इंक्लूड्स द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट भी है। प्रिवेंट्स टायरनी एंड डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी है उनका माइनॉरिटी के ऊपर ज्यादा वर्चस्व दमन ये ना हो, ऐसी चीज भी यहां पर हम देखेंगे। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टेन रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन के सामने भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नीतिगत सिद्धांत है नीचे, डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स, कुछ नीतिगत सिद्धांत। एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीतिगत सिद्धांत है, मतलब मैं भारत के नीतिगत सिद्धांत वर्ड यूज करूंगा। सर्व्स एज ए गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट्स टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसीज, कायदे कानून लॉ पॉलिसी के हिसाब से भारत के जो स्टेट्स है उनको मार्गदर्शित करना। तो ये जो सिद्धांत के बारे में बात हुई और हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो ये 7-8 पॉइंट मैंने लिखे यहां पर कि इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बड़े विस्तार से अभी देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखें कि फर्स्ट पेज में एक फोटो दिया हुआ है, मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस 1934 में चालू की, एक प्रस्ताव रखा गया, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक यहां पर डिमांड की गई अंग्रेजों के सामने। इसके बाद धीरे धीरे नवंबर 1946 में एक कमिटी बनाई गई, सॉरी डिसंबर 1946 में एक कमिटी बनाई गई
और यहां से संविधान बनाने का काम चालू हुआ। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 को यह काम पूरा हुआ। इट मींस 2 years 11 months 18 days टोटली टाइम लिया। ऑलमोस्ट 300 पीपल 300 लोगों ने काम किया इसमें और बहुत सारे महानुभावों ने काम किया जो आप देख सकते हो यहाँ फोटो में। तो ये फोटो में एक सबसे पहले जो एक दिया गया है आपको कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं। तो ये जो ये पूरी की पूरी दुनिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा लंबा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बनाने की प्रोसेस बहुत साल चली, ये ऑलमोस्ट तीन साल तक चली। इस बारे में हम बात करेंगे, क्लास 9th में भी चैप्टर है, इस क्लास में भी हम 8th क्लास में भी बात करेंगे। बहुत डीप में नहीं जाएंगे अभी क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मटेरियल वही हम देखेंगे अभी, जब जब जो जो भी क्लास में आएगा इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। अब यहां पर देखें कि पूरे की पूरी दुनिया में भारत देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन सबसे लंबा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कई कई देश तो ऐसे हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन भी 5-6 बार चेंज भी हो गए, 50 साल 100 साल में 5-6 बार चेंज भी हो गए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में ऐसा नहीं हुआ, बहुत सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। कुछ अमेंडमेंट जरूर हुए हैं क्योंकि समय के साथ साथ चलना है तो कुछ कुछ चेंजेस तो चाहिए, तो कुछ कुछ चेंजेस भी अंदर होते रहे हैं समय के साथ साथ। अब देखें यहाँ कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सभी के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी ये जो संविधान है उसके अंदर लोग चाहते हैं या तो हमारा देश अच्छी तरह से लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री हो या तो हमारा देश कोई डिक्टेटरशिप में चले। पर डिक्टेटरशिप यहाँ पर मैं मानता हूं कि बहुत इतनी इफेक्टिव नहीं है। आप 9th क्लास में भी चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सारे फॉरेन हिस्ट्रीज में पढ़ोगे, हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो ये डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो यहां पर लोगों के बीच में, समुदाय के बीच में, ये फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, इट मीन सोसाइटी के बीच में कहीं ना कहीं पर एकजुट बनाए रखने के लिए, समानता रखने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है और कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये संभाल के रखता है। इसके बाद देखें तो ये सब लोगों के बीच में सभी के अपने अपने आदर्श आइडियोलॉजी के बारे में भी, देश की एक आइडियोलॉजी के ऊपर भी यहां पर बहुत जोर दिया गया है। तो लोगों की आइडियोलॉजी, इट मीन्स पूरे कंट्री की एक आइडियोलॉजी दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखें कि हम पूरी की पूरी बात देखें कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए आपको दिया हुआ है, एक नेपाल का एग्जाम्पल है। 1990s में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि उनकी मोनार्ची थी, राजा महाराजा, तो टोटली जो लास्ट पावर है, सुप्रीम पावर, वो राजा के पास है और उनके मंत्रिमंडल के पास है। इट मीन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, गणतंत्र है, सब कुछ है, बट सुप्रीम पावर राजा के पास रहेगी, मंत्री आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे जो भी हो। 2005 में वहां पर पब्लिक ने, बीच बीच में भी चालू हुआ बट 2005 में एंड मोमेंट पे आ गए कि मींस उनको 100% भारत की तरफ, पड़ोसी देश भारत की तरफ उनको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए था। 2005 में राइट्स हुआ। इसके बाद 2006 में उनका देश का नया संविधान बनाया गया और ये संविधान के अकॉर्डिंग उनका 100% डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया गया। पास ना आपने के राजा के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद 2006 में जो राजा की, जो उनकी राजसत्ता थी, मोनार्ची थी, वो खत्म कर दी गई और 100% डेमोक्रेसी नेपाल में लगाई गई, हमारे पड़ोसी देश में। इट मीन्स यहां पर यह चीज बताई गई कि समय अनुसार कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल नीचे फुटबॉल का दिया कि फुटबॉल की गेम में कुछ नियम पुराने थे जो निकल गए, क्रिकेट में भी थे, टेस्ट मैच थी, टेस्ट मैच के बाद ये वनडे मैच आए 50 ओवर्स वाले, इसके बाद 50 ओवर के वाले के बाद अभी 2020 आ गया, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया आया। इसके बाद सभी में कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन गेम्स में भी चेंज हुई है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं और होना भी जरूरी है, समय के साथ डिमांड के साथ ये सब चीजें रोटेट होना भी जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र के साथ आपने ये देखा कि नेपाल में किस तरह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया लोगों ने।
अब देखिए कि संविधान का दूसरा एक उद्देश्य ये है, दूसरा एक मोटो ये है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी पूरी तरह से कंट्रोल रखे और राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी बनाए रखे। जैसे नेपाल में आपने देखा तो पूरी शासन की डोर, मतलब कि पूरा का पूरा रूलिंग राजा और परिषद के हाथ में था, मिनिस्टर्स के हाथ में था। अब यहाँ पर धीरे धीरे चेंज करके ये जो राज व्यवस्था है, उनकी पॉलिटी है, वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर नेता को हम चुन सकते हैं, डेमोक्रेसी में हम नेता को चुन सकते हैं। अब ये नेता बनने के बाद उनके कुछ पावर्स है देश चलाने के लिए, उनके पास जो पावर्स है, डिसीजन मेकिंग पावर्स है, बट उनका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी हमारे पास यहाँ प्रिवेंशन है। यहाँ पर प्रिवेंट्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सर्टेन रॉन्ग डिसीजंस। कुछ रॉन्ग डिसीजन के लिए कोई नेता हो कि आप खुद शाही बन जाती है, कोई नेता हो कि मतलब ज्यादा ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के साथ साथ उनको भी ये रूल्स रेगुलेशन पब्लिक को फॉलो करने के साथ साथ उनको भी फॉलो करने हैं। इट मीन्स यहाँ पर जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद कोई राजा महाराजा नहीं बन जाता है। इट मीन्स आपने देखा कि सरकार बदलती रहती है, नेता भी बदलते रहते हैं, पीएम बदलते रहते हैं, इसके बाद मतलब कि पूरा मंत्रिमंडल चेंज करने की सत्ता पब्लिक के हाथ में है। वोटिंग के जरिए नेता भी चेंज होते रहते हैं, अलग अलग पार्टी, सब आप न्यूज में देखते हो। तो यहां पर ये सत्ता का दुरुपयोग ना करें, मिसयूज ना करें, इसके लिए भी संविधान कुछ कुछ क्लूज अंदर देता है। तो संविधान के अंदर ये डाला गया है पहले से ही, मतलब कि पूरा का पूरा कंट्री, कोई पर्सन, कोई परिवार किसी की आइडियोलॉजी के ऊपर ना चल के एक कॉन्स्टिट्यूशन के बंधारण के ऊपर चले, कोई सोसाइटी समाज के नीति नियमों से अलग और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अकॉर्डिंग चले, मतलब कि मिसयूज की बात की गई। तो इसी प्रकार से आप देखिए, एक मिसयूज वाला एक एग्जांपल भी दिया है, एक बच्चा है सुरेश, क्लास में मॉनिटर है, बहुत दबंग टाइप का लड़का है, और दूसरे बच्चे जो आराम से बैठे है उसको बोल रहे हैं, जो उनका कोई मतलब कि बच्चे के साथ कोई अनबन हुई है, और उनको बोलता है मैडम आने के बाद मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। बच्चा सामने रिप्लाई करता है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ। बट फिर भी वो कुछ दुश्मन निकालने के लिए सुरेश मैडम के आने के बाद बताता है कि ये आप नहीं थे तब, ये लड़का परेशान कर रहा था। मैडम वो लड़के को पनिशमेंट भी देते हैं, और यहाँ सुरेश का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है बहुत खुश। इट मीन्स यहाँ पर एक दादागिरी टाइप हुआ, इट मीन्स अपनी यहाँ पर ठोस जमाने की एक बात हुई। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, इट मीन्स कि ये इंडिया के अंदर ये नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखें कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आपने क्लास सेवंथ में 3-4 स्टोरी क्लास चैप्टर 1 में देखा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन बुक उनकी। इसके बाद कांता वाली स्टोरी देखी, मिस्टर एंड मिसेस कुमार वाली देखी, मतलब सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब ये सोसाइटी के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव, अनटचेबिलिटी, ये कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये चीजों के बारे में भी बात हुई, मतलब कि सोसाइटी के जो डिविजन्स है इसके अंदर लोगों के जातिवाद समूह के अंदर भी एकजुटता एक समानता बनी रहे, इसके बारे में भी संविधान यहां पर बात कर रहा है। इट मीन संविधान के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, किसी के साथ समान अधिकार होना चाहिए, सबके पास मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स में हम बात करेंगे। यहाँ पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात करेंगे, जो मेजोरिटी है बहुत बड़ा ग्रुप है वो माइनॉरिटी के ऊपर हावी ना हो जाए, अपने नीति नियम, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपनी बातें उनके ऊपर ठोस ना दे माइनॉरिटीज के ऊपर। तो एक एग्जाम्पल क्लास का दिया है, बॉयज वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट एंड गर्ल्स वॉन्ट्स टू प्ले बास्केटबॉल। तो यहाँ पर गर्ल्स माइनॉरिटी में है, बहुत कम लड़कियां हैं क्लास में और बॉयज ज्यादा है, तो अल्टीमेटली उनका क्रिकेट खेलने की जिद थी वो पूरी की गई। इट मीन्स यहाँ ये दिखाया कि सोसाइटी में भी अलग अलग प्रकार की जातियां, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन ना चलाए, अपनी दमनकारी नीतियां ना चलाए, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए गए हैं, और इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। बहुत सारे कंट्री में न्यूज में आपने देखा होगा उनके कंट्रीज में मेजोरिटी और माइनॉरिटी के लिए क्या है, और भारत के अंदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। माइनॉरिटी है मतलब उनको परेशान करना नहीं है, उनको सबके साथ समानता से व्यवहार करना है,
मतलब संविधान सबको एक नजर से देखता है। यहां पर देखा जाए कि जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर कोई ज्यादा खतरा ना हो, जैसे कि यहां लिखा है ये रहा प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेशंस बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के ऊपर वो अपना वर्चस्व ना जमा दे या उनके ऊपर अपनी दमनकारी नीतियां ना चलाए। अब यहां पर दो वर्ड एक आए हैं, इंटर एंड इंट्रा, इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी का मतलब है कोई एक बड़ा समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर अपनी ठोस जमा देते हैं, इसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी। और इंट्रा कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी मतलब अंदर ही अंदर, मतलब कोई एक कम्युनिटी में या कोई समुदाय में किसी की बात करें उसके अंदर कुछ लोग ज्यादा पावरफुल होके दूसरे लोगों के ऊपर उसी कम्युनिटी में उसी ग्रुप में, एक दायरे में बात कर रहे हैं, उसी ग्रुप के ऊपर ज्यादा हावी हो जाए, ज्यादा अपना दमन दिखाए, उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए तो संविधान के अंदर कौन से योग्य समय पे क्या योग्य डिसीजन लिया जाए, ये भी यहां पर होता है, ये भी संविधान के अंदर होना चाहिए और है, इसीलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल आपके जैसे बच्चे का लिया है कि दूसरे दिन एग्जाम है, शबनम नाम की लड़की देख रही है कि टीवी में एक अच्छा शो आ रहा है जो उसका व्हाट फेवरेट शो है, तो ये प्रोग्राम देखूं कि मैं कल के एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, तो वहां पर थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग लगाना है, क्योंकि वो बच्चा सोच नहीं सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। टीवी देखूं, बहुत अच्छा शो आ रहा है, मेरा मनपसंद शो है, और दूसरी साइड एग्जाम है कल। लास्ट में उसने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई करूंगी अभी। शायद ये भी हो सकता है कि ये जो शो है वो तो कल दूसरे इंटरनेट के जरिए भी देख सकते हैं, ये तो टीवी में दूसरी बार रिटेलीकास्ट भी होगा। तो यहां पर उसने एक सोच समझ के डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई करूं, रिविजन करूं, और दूसरे दिन एग्जाम में वो अच्छा लिख पाती है। इट मीन सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए जरूरी है, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। इसमें बहुत डिस्कशन के बाद भारत के अंदर जो कायदे कानून बनाए गए वो इतने अच्छे बनाए गए कि सही टाइम पे सही डिसीजन के लिए भी यहां पर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। कुछ माइनर चेंजेस भी हुए देश के अंदर, मतलब ये पूरे के पूरे 70 साल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी करने पड़े, वो माइनर चेंजेस है, दूसरे देशों की कंपेरिजन में काउंट करें तो वो नहीं के बराबर है। इट मीन थोड़े बहुत ही चेंजेस किए। तो जैसे कि हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में देखो, चाइना के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन कब कब चेंज किया गया देखो, आप इंटरनेट पे सर्च करो, रशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया फिर कितनी बार चेंज किया गया, कितने सालों बाद चेंज किया गया। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरे वर्ल्ड में एक आदर्श है। भारत के नेताओं ने जब ये बनाया, जब ये कमिटी ने चालू किया नवंबर 1946 से, तभी 60 कंट्रीज उसी टाइम के 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें लिया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ चीजें अच्छी है पर प्रैक्टिकली यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी चीजों को नहीं लेके जो चीज इंडिया के अंदर, इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के रीति रिवाज, धर्म, सभी के आधार पर जो लिया गया और ऐसे उसमें अमेंडमेंट करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली बनाया गया। और दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि गवर्नमेंट की बात आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहां पर एक तानाशाही की बात आई, डिक्टेटरशिप। कुछ लोग चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छी है, बट यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो देश के लिए अच्छी है। डेमोक्रेसी, लोग अपनी चुनाव कर सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं, और जब लगे कि अच्छा काम नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहे, तो फिर दूसरे नेता को चुनते हैं, दूसरे को चांस मिलता है। तो उसी प्रकार से ये रोटेशन वाइज ये प्रोसेस चलती रहती है। इट मीन्स सभी कम्युनिटी का सभी से आगे आके, इट मीन्स सभी को भूल के सभी लोग आगे आके लीडरशिप का गुण लोगों के अंदर है तो वो बाहर आ सकते हैं। इट मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कास्ट, क्रीड, जेंडर, स्त्री पुरुष, जाति, सभी की समानता देख के, कोई पक्षपात आगे पीछे ना देख के, सभी को एक समान देख के यहां पर सभी को कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। तो अभी
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने ये देखा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस देश को क्यों संविधान चाहिए और हमें भी क्यों संविधान चाहिए। क्लास नाइन्थ में भी सेम पॉइंट है, क्लास टेंथ में भी सेम पॉइंट है। मतलब ये 7-8 पॉइंट आप ठीक से पढ़ लीजिए और इसके बाद अभी आगे बात करेंगे कुछ की फीचर्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ हिस्ट्री, पहले भी मैंने बताई थी आपको। 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, M.N. रॉय, उन्होंने रखा कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव रखा। अब 9 दिसंबर 1946 की एक फर्स्ट कमिटी गठन हुई जिसके अंदर 211 मेंबर्स थे कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमिटी बनाई गई, तो यहां से काम चालू हुआ है। नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी की लास्ट मीटिंग हुई, लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी की और एकदम फाइनलाइज हो गया, खाली कोई चेंजेस नहीं किए गए, खाली लास्ट मीटिंग हुई। अराउंड पूरा होते होते 300 लोग थे काम करने में, यहां पर 300 पीपल थे, अराउंड 300 पीपल, स्टार्टिंग 211 मेंबर्स से हुआ था। बनाने के लिए टोटल 64 लाख रुपीस का खर्चा हुआ था उस टाइम पे, 64 लाख रुपीस। और जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम पे जो जो भी डिस्कशन किया गया सारा का सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इंडिया में, रखा हुआ है म्यूजियम में। और दूसरा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हीलियम बॉक्स में रखा गया है, पहले भी मैंने बात किया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा और हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाद में तो बहुत सारी कॉपियां बनाई गई। तो ये सब जानकारी थी आपके जनरल नॉलेज के लिए। और दूसरा था कि 26 जनवरी 1950 को हमने ये लागू कर दिया, राइट, स्माइल किया, उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इट मींस ये बीच में 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा। कुछ ज्यादा विस्तार से देखे तो कुछ मुख्य रूप से 11 मीटिंग्स हुई, 11 सभाएं हुई, बाद में छोटी छोटी जो ग्रुप वाइज कर दिया, छोटी छोटी कमिटियां बना दी गई। मुख्य रूप से 7 कमिटी थी, उसमें टॉप लेवल की कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके हेड थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वेरी टैलेंटेड पर्सनालिटी। उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा रोल दिया है। दूसरा, ये जो हमारी सिस्टम थी, कुछ अनटचेबिलिटी, जातिवाद की प्रथा थी, ये सभी को दूर करके जो पिछड़ी जाति जिस टाइम पे जो कही जाती थी उनको आगे लाने में और उनको भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में समानता दिलवाने में बहुत बड़ा रोल था। वुमन रिफॉर्म्स के लिए भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम उस टाइम पे किया था। इट मीन्स आपको एक फोटो भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में और नीचे लिखा भी है कि द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। अब आगे देखें की फीचर्स, फेडरलिज्म, सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु, जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था ये लागू कर दिया, चलो भारत सरकार ने लागू कर दिया, बट यहां पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो यहां सबसे अच्छी थी। बाकी सब बहुत सारे कंट्री भी आज भी एग्जाम्पल के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, करते हैं अभी, और जो जो कंट्री ये चेंज करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से भी बहुत सारी चीजें लेते हैं। अब यहां पर देखिए इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स में, तो उसके पहले मैं बात कर दूं, पास में फोटो भी दिया हुआ है डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी का, साइड में लिखा हुआ है सब कुछ, और उसमें है कि जो देश में असमानता थी, जातिवाद की प्रथा थी, अनटचेबिलिटी थी, इसके बाद ऐसी जो कुछ अंधश्रद्धाएं थी, ऐसी चीजों को बाहर निकल के लोगों को एक समान बनाना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार से एक समान से देखता है, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए बराबर है। संविधान सभा का ये बहुत सारा ये मुद्दा डिस्कशन का यही था। इसके बाद देखें तो ये पूरा का पूरा जो
ड्राफ्टिंग तैयार किया गया, उसके ऊपर बहुत चर्चा विचारणा के बाद एक लास्ट ड्राफ्ट तैयार करके कॉन्स्टिट्यूशन को एक फॉर्म दिया गया। अब इसके बाद देखें तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं, उसमें सबसे पहले देखें की फीचर्स में भी आपके लिए क्लास 8 में फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं, कुछ ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट। कोई की कुछ लोग दिल्ली में बैठे बैठे पूरा देश चलाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब कि उसके अंदर एक स्टेट सबने रिफॉर्म्स किया, जैसे आज की डेट में देखे हमको भी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, ऐसे स्टेट बनाए। तो मोर देन वन गवर्नमेंट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आज वर्ड यूज करते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट, और देखा आपने लोकल लेवल पंचायती राज, लोकल लेवल गवर्नमेंट। इट मीन्स क्लास सिक्स में आप देखो जरा, क्लास सिक्स सिविक्स में आपने पढ़ा ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में, पंचायती राज के बारे में पढ़ा, ग्राम पंचायत पढ़ा, वर्क याद कीजिए, वर्क ऑफ पटवारी आया था, तहसीलदार आया था, इसके बाद तहसीलदार मतलब कि जोन लेवल, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, ये सब है पंचायती राज लोकल लेवल। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, तो आपने क्लास सिक्स में पढ़ लिया पंचायती राज के बारे में, सेवंथ में आप पढ़ेंगे, और सेवंथ में आपने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। इसके बाद अभी क्लास एट में आप पढ़ेंगे नेशनल लेवल मतलब कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद द पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, भारत की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं वो इलेक्शन के जरिए जाते हैं। तो इलेक्शन में सभी को अधिकार है, वोटिंग राइट्स। तो भारत की आजादी के साथ 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, तब से सभी को वोटिंग राइट्स दिया है, स्त्री पुरुष सभी को। कई कई देशों में जो रिवॉल्यूशंस हुए उसके अंदर लेडीज को राइट नहीं दिया गया था, बाद में बहुत सालों बाद ये वोटिंग राइट्स दिया गया। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल, सभी को वोटिंग का अधिकार है, सभी को वोटिंग करने का राइट। एक फोटो भी दिया गया है, सबसे पहले इलेक्शन 1950-51 में जो हुआ था वो इलेक्शन का फोटो है, बैलेट पेपर वाला इलेक्शन था, और इसमें सभी को वोटिंग का राइट है, मतलब लोग अपने नेता चुन सकते हैं। इसके बाद स्त्री पुरुष कोई भी जाति धर्म सभी छोड़ के सभी को वोटिंग का राइट है। इसमें जो एज दिया है आज की डेट में 18 साल से ऊपर वाले सभी को वोटिंग का अधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आगे भी हमने देखा था क्लास सेवंथ में भी। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, पावर शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेचर, तो इलेक्टेड मेंबर्स है जो पार्लियामेंट में जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स है जिसको चुनाव करके पब्लिक जीतती है, वो हो गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो है लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का जब चैप्टर आएगा तब पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्लास नाइन्थ में भी ये बहुत विस्तार से। इसके बाद एग्जीक्यूटिव, तो इंप्लीमेंट लॉज, उनका काम है लॉज को इंप्लीमेंट करना, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में ये नेताओं ने रूल्स बनाया, अब इसके बाद उसको देश में इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। इसके बाद पूरी गवर्नमेंट सिस्टम आ गई एग्जीक्यूटिव्स, मतलब ये चेंज होते रहेंगे, लेजिस्लेचर में चेंज होते रहेंगे, 5 साल में इलेक्शन आई बंदा चेंज हो गया, बट यहां पर ये थ्रू एग्जाम्स या तो क्वालिफिकेशन के आधार पर गवर्नमेंट सिस्टम में आते, आईएएस आईपीएस पूरी गवर्नमेंट सिस्टम ऑफिसर सिस्टम सारी की सारी जो रूल्स कायदे कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, इनकी ट्रांसफर होती है, इनका टाइम शेड्यूल फिक्स है 5 ईयर्स ये लेजिस्लेचर, और यहां पर टाइम शेड्यूल नहीं है कि रिटायरमेंट होता है। इसके बाद है जुडिशरी, ये इसमें जो कुछ गड़बड़ी लगे, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो कायदे कानून क्या करता है, कोर्ट कचहरी तक, तो कोर्ट सिस्टम इट मीन्स जुडिशरी सिस्टम, न्याय तंत्र। इसके बारे में तीनों के बारे में बात करें तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, बहुत डिस्कशन इसके अंदर कर सकते हैं। अब देखिए आगे कि ये सेक्युलरिज्म, मतलब कोई सेक्युलर, भारत एक सेक्युलर सेक्युलर कंट्री है, मतलब बिन सांप्रदायिक, सेक्युलरिज्म बिन सांप्रदायिकवाद, इसका मतलब है कि कोई भी धर्म भारत का एक स्पेशल धर्म के रूप में नहीं माना गया है, एक धर्म निरपेक्षता है। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता, कोई एक धर्म के प्रति हमने एक फिक्स नहीं कर दिया है कि भारत देश का ये धर्म है, राजधर्म है। तो यहां पर देखे हमारे पास वाले कंट्री देखो तो कोई ना कोई फिक्स धर्म है उनका, यूरोपियन कंट्रीज में क्रिश्चियन धर्म है, इसके बाद आप इजिप्ट देखो
कौन सा धर्म है। इसके बाद हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रीज है। तो इसी तरह से इंडिया का कोई सेक्युलर कोई धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। इट मीन सभी धर्म के लोग को समान अधिकार यहां पर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारे धर्मों को यहां समानता मिली है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सारे धर्म छोटे मोटे। ये तो कुछ नाम आपको याद होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत गाने में भी देखा होगा आपने, बुक में बार बार पढ़ा होगा। तो बहुत सारे धर्म है, सभी को समानता का अधिकार, सभी के धर्मों की रक्षा की जाएगी, सभी अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग अपने रिचुअल्स मनाते हैं, त्योहार फेस्टिवल सब मनाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो यहां पर देखें कि उसके बाद एक बड़ा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे अभी, स्पेशली बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है द फंडामेंटल राइट्स। भारत में कोई भी बच्चा पैदा हुआ मतलब उसको जन्मजात ये 6 फंडामेंटल राइट्स उसको मिल गए, और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट रोल है इसका जीवन में। अब देखे यहां पर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो सभी को समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, कोई भी रूप में समानता, स्त्री पुरुष मेल फीमेल कोई जाति के आधार पर धर्म के आधार पर सभी को समानता दी गई है। और यहां पर अनटचेबिलिटी छुआछूत जिसको बोलते थे और ऊंच नीच का भेदभाव पूरा का पूरा निकाल दिया गया है, पूरा का पूरा एबोलिस्ट कर दिया है, निकाल दिया गया है। इट मीन्स आपको जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो ये राइट हमें देता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। कोई भी गवर्नमेंट सार्वजनिक जो वस्तुएं है सार्वजनिक चीजें है मतलब कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी सबका समान अधिकार है, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है बट सबके लिए समान है। मान लो कि रोड रास्ते है तो सबके लिए समान है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी के लिए रोड रास्ता है। कोई भी चीज इट मीन्स जो जाहिर सेवा की चीजें है उसके अंदर भी कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी सबके लिए समानता रहेगी। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, सभी को फ्रीडम का अधिकार है, स्वतंत्रता फ्रीडम का अधिकार है। फ्रीडम मतलब देश के अंदर कहीं पर भी जाने का, कोई भी देश के एरिया में रहने का, उन देश के किसी भी एरिया में व्यवसाय धंधा नौकरी कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। बंदा कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी पर्सन कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का किसी भी जाति का पूरे देश में कहीं पर भी अपना बिजनेस धंधा काम चालू कर सकता है और फ्रीडम एकदम स्वतंत्रता से पूरे देश में घूम सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन इट मीन्स शोषण के सामने आवाज उठाने का, शोषण के सामने आवाज एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो कहीं पर भी कोई शोषण होता है मतलब कि एक एग्जांपल दिए कि 14 ईयर से नीचे वाले बच्चों को मजदूर पे नहीं रखा जा सकता, मतलब 14 से ऊपर को रख सकते छोटे मोटे काम के लिए बट जो हेवी वर्क है हार्ड वर्क है उसके ऊपर तो 18 प्लस ही दिया हुआ है। तो ये शोषण के सामने अधिकार मांग सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो यहां पर कोई लेडीज के लिए भी है फ्रीडम, वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी है, वुमन के साथ जो जो भी पहले देखा आपने आगे वाले चैप्टर्स में भी आपने देखा हिस्ट्री के चैप्टर्स में सॉरी, तो उसमें भी आपने देखा कि लेडीज के साथ कैसा व्यवहार था, पहले के जमाने में पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते थे या तो उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चरिंग है। तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। और ये राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत देश में कोई भी धर्म आप ले सकते हो, वो धर्म के अकॉर्डिंग आप रह सकते हो और धर्म में मानने की धर्म की जो भी रिचुअल्स है धर्म की जो चीजें है वो करने का पूरा अधिकार है, किसी भी धर्म को आप मानने का अधिकार है। इट मीन सर्वधर्म समानता यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब भारत आगे हमने देखा सेक्युलरिज्म में भारत का कोई भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर कोई एक स्पेशल पर्टिकुलर कोई धर्म हमारा स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब सारे धर्म के लोग रह सकते हैं और आप कोई भी धर्म ले सकते हो कोई भी धर्म मान सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
सभी को अपनी अपनी संस्कृति बचाने का, संस्कृति को जीवंत रखने का अधिकार है। इट मीन्स कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज की एजुकेशन स्कूल्स में भी, अपनी लैंग्वेज में भी एजुकेशन प्रोवाइड करने का अधिकार है। इट मीन्स सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो इसके अंदर संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर धार्मिक और अपने लैंग्वेज के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब जो माइनॉरिटीज है, उनको अपनी कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए और अपने विकास के लिए अपने अपने जो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। देखा आपने भारत में उर्दू लैंग्वेज की भी स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम की भी स्कूल है। इसके बाद राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि ये राइट्स में से कोई भी अधिकार का नुकसान होता है किसी बंदे को कोई राइट्स नहीं मिल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग, ये 6 नंबर के राइट्स के अकॉर्डिंग कोर्ट में जा सकता है, वो बंदा कोर्ट में जा सकता है। इट मींस इसके लिए न्याय मांग सकता है, अपना अधिकार मांग सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स हमने देखा, क्या क्या की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ी बहुत जानकारी भी लिया, कितना टाइम लगा, कैसे लगा, क्या हुआ। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा बनाया, इसको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूरे देश के लिए, सभी लोगों के लिए बताते हुए बता रहे हैं कि ये जो है सभी नागरिक के लिए ऐसी स्थिति में है कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी लोग समान अधिकार की दावेदारी कर सकते हैं। और दूसरा कि हर ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है जो उसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकारों के बाद कुछ नीतिगत निर्देश की भी बात किया गया। हमने आगे देखा डायरेक्ट प्रिंसिपल्स दिखा हमने, तो ये डायरेक्शंस है, नीतिगत सिद्धांत है। ये भी हमने देखे कि सोशियली, इकोनॉमिकली, सामाजिक तरीके से सब एक साथ रहे, समानता से रहे, और उसके साथ सामाजिक और आर्थिक भी अंदर रिफॉर्म्स हम सुधार ला सके। व्हाई डू वी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था ये डायरेक्टिव्स ऑफ प्रिंसिपल्स, इसके अंदर देखा हमने। और दूसरा था कि भारत की जनता एकदम समान नीतियां बना के कानून के साथ नीतिगत सिद्धांत स्टेट्स के ऊपर लागू कर सके और सभी को मार्गदर्शक बन सके। तो ये नीतिगत सिद्धांत भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के साथ लागू किए गए। राइट्स तो सबको मिल गए, बस कुछ हमारे कर्तव्य भी है देश के प्रति, वो भी कुछ आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे, साइंथ क्लास 9th में पढ़ेंगे हम लोग ये। इसके बाद आपने देखा कि फोटो दिया गया है, सब लोग साइन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाने के बाद सब साइन कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया था। टेक्स्ट बुक में आपको पीछे ग्लोसरी बॉक्स में कुछ डेफिनेशंस दिया हुआ है, वो जरूर पढ़े। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस के अंदर भी हाईलाइट करके ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपका एग्जाम की पैटर्न में राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी यहाँ पर आप पूरी कर लीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने ऊपर से देखा, की फीचर्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, क्यों जरूरत है हमें, ये मेन 3-4 पॉइंट्स हमने देखे। और भी आगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ाई करते रहेंगे।